हेलो दोस्तों, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीधे कपड़े के अंदर आप फिनिशिंग से डोरी कैसे बना सकते हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक सीधा कपड़ा लिया है, ठीक है। ज़्यादातर जो डोरी बनती है वो ओरे कपड़े बनती है, क्योंकि उसमें खिंचाव होता है। और इसमें देखिए दोस्तों, सीधा कपड़ा है, किनारे वाला आप देख सकते हैं, ये कपड़ा है हमारा, ठीक है। तो ये आड़ा कपड़ा है, तो आड़े में भी पाइपिंग डोरी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आपको इसमें बताऊँगा कि आप जो है डोरी को किस तरीके से बना सकते हैं जो कि आपकी बिल्कुल डोरी की तरह लगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, बिल्कुल भी कपड़ा हमारे पास नहीं बचता और हमें डोरी भी लगानी है तो उसी कपड़े की लगानी है। तो दोस्तों, ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, मशीन पर चलते हैं और आपको ये डोरी बनाना सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि कपड़ा है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, सीधा हो कपड़ा या आड़ा हो, उसमें डोरी पलटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम ओरे कपड़े में डोरी पलटते हैं। ओरे कपड़े में डोरी आराम से पलट ली जाती है, लेकिन आड़े कपड़े में या सीधे कपड़े में आप कैसे जो है डोरी को पलटेंगे, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको इस तरीके से कर लेना है, और जितनी डोरी आप बनाते हो, ठीक है, उससे हल्की सी दोस्तों मोटी आपको लेनी होगी। इसके लिए मैं अलग धागे से सिलाई लगा रहा हूँ, जिससे आपको मैं दिखा पाऊँगा कि हम जो डोरी थोड़ी इसमें मोटी ही बनाते हैं। क्योंकि अगर आप पतली डोरी बनाओगे तो दोस्तों इसमें पलटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपकी मेहनत भी इसमें ख़राब हो सकती है। तो देखिए, मैं इस पर एक सिलाई लगा रहा हूं। सिलाई देखिए दोस्तों, हमारी करीब इतनी है, मैं इतनी मोटी यहां पर जो है डोरी बनाऊंगा। अब मैं इसी तरीके से पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप सिलाई देख सकते हैं, इतनी गैपिंग हमने सिलाई लगाई है। लेकिन ओरे में हमें क्या करना होता है दोस्तों, जैसे कि अब ओरे में हमें इतना इतना मार्जिन रख लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपके सीधे कपड़े में, आड़े कपड़े में आपको इतना मार्जिन नहीं रखना। अगर आप इतना मार्जिन रखते हैं तो आप डोरी नहीं पलट पाएंगे। आपको क्या करना है, ये छोटी सी टिप है लेकिन आपके बहुत काम आएगी, आपको इतना इतना मार्जिन रखना है दोस्तों। देखिए, इतने इतने मार्जिन से आप जो है पूरे के पूरे कपड़े को कटिंग कर लें। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इतना इतना कपड़ा जो है कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, तो सुई को आपको ऐसे बना लेना है धागा, ठीक है। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ गांठ लगा ली है। तो हम यहाँ पर मशीन की सुई है, जिस वाली सुई जो है हमारी, ये सुई होगी, और आपको इस तरीके से कपड़े में डालना है। और उसके बाद दोस्तों, जो गांठ होगी वहाँ पर आपको इस तरीके से देखिए यहाँ पर ऐसे निकाल लेना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ये निकाल लिया हमने। अब इसको हम ऐसे खींच लेते हैं, तो देखिए किस तरीके से हमारा यहाँ पर मजबूती से रुक जाता है, क्योंकि यही सिरा हमारा पलटा जाएगा। अब हम सुई को ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे करके दोस्तों, इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे आराम से, और इसको ऐसे फालतू मार्जिन को जो भी इकट्ठा हो जाएगा यहाँ, इसे खींच लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से देखिए पूरे को आप अच्छी तरीके से पलट, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा इसके अंदर। देखिए, आपको ऐसे ऐसे पलटना है। देख सकते हैं आप, ये आपकी ज़्यादा झोल पड़ जाएगी। तो याद रखें, अगर आपको बैक गले में लगानी है डोरी, तो मैं आपको सीधे कपड़े में राय दूंगा कि आप जो है, अगर एक डोरी एक बार में ना पलटें, अलग अलग पलटने, जिससे क्या होगा, आप आराम से पलट सकते हैं। क्योंकि ये दोस्तों धागे ज़्यादा निकलेंगे और मार्जिन कम होने के कारण आपकी डोरी जो है निकल सकती है। तो अब देखिए, यहाँ से आपको पहला सिरा ये आराम से निकालना होता है, जिससे कि डोरी पलट जाए। तो मैं यहाँ पर बहुत आराम से ये सिरे को पलटने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अंदर की तरफ समझ लो कपड़ा चला गया। अब मैं इसको इस तरीके से पलटूंगा, ठीक है। ये देखिए कितनी आराम से, कितनी तेज़ी में हमारी डोरी है पलट रही है, वो भी सीधी है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें, ये ओरेब नहीं है। और डोरी बनने के बाद आप देख सकते हैं इसकी गेटअप, देखना आप, बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये डोरी होगी, ठीक है। और सीधे कपड़े में आप भी एक बार ट्राई करना, ज़्यादा मार्जिन लेके आप बिल्कुल भी नहीं पलट सकते हैं। और आपको इसमें एक टिप और दूंगा मैं, पहले आप डोरी पलटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डोरी को, फिर उसके बाद जो टिप दूंगा आप उसे भी नोट कर लेना, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इसे, जब आपकी डोरी पलट जाएगी तो आप इसको ऐसे ऐसे खींचते रहें। ये देखिए, डोरी आपकी पूरी पलट के आने लगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से बस खींचते रहें, और यहाँ पर डोरी जो है हमारी पूरी की पूरी पलट के आ गई, जो कि कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये आड़ी डोरी है या सीधी डोरी है। और बहुत ही प्यारी खूबसूरत फिनिशिंग में दोस्तों डोरी हमारे यहाँ पलट जाती है। मैं देखिए यहाँ से इसे डोरी निकाल के सुई को आप दिखाता हूँ, आप देखिए ध्यान से दोस्तों, ये डोरी आप देख लें, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ओरेब ये सीधे कपड़े की है, ये ओरेब कपड़े की लगेगी, क्योंकि इतनी बारीक डोरी जो है ओरेब कपड़े में ही निकलती है। अब दोस्तों, जो आपको मैं टिप दे रहा था वो भी आप ध्यान रख लें, ये जो कपड़ा है दोस्तों लिजी बिजी कपड़ा है, ठीक है। इसमें थोड़ा रेशमी होता है, मिक्स होता है, कॉटन पूरा नहीं होता। प्योर कॉटन में दोस्तों डोरी पलटना सीधे में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये वाला हिस्सा जो होता है दोस्तों, कभी तो एक बार मेरा ये हिस्सा भी छिल गया था, क्योंकि ये पूरे जोड़ लगानी पड़ती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि रेशमी में आप इसे ट्राई करें, रेशमी में बहुत अच्छी निकलती है। कॉटन में अगर आपको करनी, तो इससे थोड़ी एक्स्ट्रा सिलाई आप लगा लेंगे,
जिससे कि थोड़ी मोटी डोरी होगी, वो आराम से आप पलट सकते हैं, मार्जिन कम रखें। तो दोस्तों आपको ये टिप्स कैसी लगी डोरी पलटने की, कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहली बार चैनल पर आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।